Bismillahir Rahmanir Rahim. We are going to discuss organic chemistry. We are going to start organic chemistry. The first chapter of organic chemistry is fundamental principles of organic chemistry. In this chapter, we learn a lot of fundamental or basic principles, the rules of organic chemistry. हम इसमें सीखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फीचर्स क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इम्पॉर्टेंस क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज क्या हैं. फिर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं. हम देखेंगे क्रैकिंग क्या है, रिफार्मिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या है. और इसके बाद लास्ट पे हम हाइब्रिडाइजेशन SP3, SP2 और SP हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और लास्ट पे आइसोमेरिज्म, इस चैप्टर के ये टॉपिक्स होंगे. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इंट्रोडक्शन अगर देखें, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो 200 ईयर्स अगो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश किया गया. ये पता चला इंसान को कि देयर आर टू काइंड ऑफ कंपाउंड्स, वन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये दोनों तरह के कंपाउंड्स आपस में ओरिजिन के लिहाज से डिफरेंट होते हैं और प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से डिफरेंट होते हैं. ओरिजिन मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं. ये लफ्ज़ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म से निकला है, यानी शुरू में ये आइडिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी ऑब्टेंड ओनली फ्राम लिविंग ऑर्गेनिज्म्स. सो ये लफ्ज़ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म से निकला है. और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नॉन लिविंग सोर्सेज से हासिल होते हैं, वो मिनरल्स से हासिल होते हैं. दूसरी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ में ढेर सारा डिफरेंस है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आयोनिक कंपाउंड्स हैं. आयोनिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस फास्ट होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्लो इन रेट होते हैं. इसके अलावा बहुत सारी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म का फिनामिना है, मल्टीपल बॉन्डिंग है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, इनमें होमोलोगस सीरीज होती हैं, ये कम्प्लेक्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सिंपल होते हैं, इनमें आइसोमेरिज्म होता है, इनके रेट्स स्लो और इनऑर्गेनिक के फास्ट, और सॉल्युबिलिटी ये लाइक डिजॉल्व लाइक. तो हम देख रहे हैं बेसिकली इनकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस, राइट. आइडिया अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आइडिया अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. 1807 में बर्जीलियस ने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेंड फ्राम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग इंडिविजुअल्स, एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेंड फ्राम मिनरल्स आर नॉन लिविंग सोर्सेज फ्राम द अर्थ क्रस्ट, राइट. सो एक उस दौर में जो केमिस्ट थे उनकी एक थ्योरी वजूद में आई जिसका नाम रखा गया वाइटल फोर्स थ्योरी. मैं आपको बता दूं वाइटल फोर्स क्या होती है. फोर्स विच इज़ प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. हम कहते हैं ना वाइटल ऑर्गन्स कौन से हैं, वो ऑर्गन्स जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं. हम ब्रेन के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते, हम हार्ट के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते, ये वाइटल ऑर्गन्स हैं. हाँ, आँखों के बिना ज़िंदा रहा जा सकता है, बाजू कट जाएँ तो ज़िंदा रहा जा सकता है, टांगे कट जाएँ तो ज़िंदा रहा जा सकता है, ये वाइटल ऑर्गन्स नहीं हैं. तो वाइटल फोर्स अ फोर्स विच इज़ ओनली प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देयर इज़न्ट एनी वाइटल फोर्स आउट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो साइंटिस्ट या केमिस्ट का ये ख्याल था कि देयर इज़ सम वाइटल फोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू सिंथिसाइज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथिसाइज्ड ओनली इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इनको लेबॉरट्री में, आर्टिफिशियल मीडिया में, आर्टिफिशियल माहौल में सिंथिसाइज नहीं किया जा सकता. इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था वोलर ने. वोलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम है NH4CNO अमोनियम साइनेट, ये बेसिकली अमोनियम आइन NH4+1 और CNO-1 साइनेट आइन के मिलने से बनता है, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. इससे यूरिया प्रिपेयर किया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. यूरिया जो मैमल्स के यूरिन में होता है, यूरिया हमारी बॉडी में पैदा होता है, यूरिया हमारे यूरिन में होता है, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. तो फॉर द फर्स्ट टाइम वॉलर ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर करके, सिंथिसिस करके वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा नहीं है, नो वाइटल फोर्सेज रिक्वायर्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी सिंथिसाइज इन द लेबॉरेटरी. उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक बड़ी खेप तैयार हुई. ये जो प्लास्टिक्स हैं, ये जो आर्टिफिशियल सिंथेटिक रबर है, ये बनाए जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बनाई जाती हैं, बहुत सारी ड्रग्स मेडिसन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो बनाए जाते हैं. सो
वो डेफिनेशन कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग सोर्स, ये डेफिनेशन तो होगी रिजेक्ट वोलर के काम से। अब हमें ज़रूरत है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बताऊँ, उसके बाद रीडिफाइन इनको किया गया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या तो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, ये CH4 मीथेन जिसको कहते हैं, ये एक हाइड्रोकार्बन है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ दो एटम्स हैं, C2H6, ये एक हाइड्रोकार्बन है। अब इनके डेरिवेटिव, ऑर्गेनिक कंपाउंड के डेरिवेटिव कैसे बनते हैं, जैसे ये CH4 है मीथेन, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें और कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दें तो वो उसका डेरिवेटिव बन जाएगा। जैसे मेथनॉल C2H5 और इसके साथ एक H रिमूव कर दें और उसकी जगह लगा दें OH, लगा दें Cl, लगा दें तो ये एक अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ये हाइड्रोकार्बन्स हैं और ये उनके डेरिवेटिव्स हैं। सो हाइड्रोकार्बन्स आर दियर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स विच आर नाइदर हाइड्रोकार्बन नॉर दियर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द हाइड्रोकार्बन्स आर दियर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बन के हैं, यानी हमें समझ ही आया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एक लाजमी एटम है, एलिमेंट है। कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, इनमें कार्बन तो होता है लेकिन ये इनऑर्गेनिक है। इसकी रीज़न क्या है, एक तो बुक में लिखी है कन्वेंशनल और हिस्टोरिकल रीजंस, यानी पास्ट में इनको इनऑर्गेनिक कहा गया तो अब इनऑर्गेनिक। ये पेट रीज़न नहीं है, पेट रीज़न ये है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स हैं, दीज आर नाइदर हाइड्रोकार्बन नॉर दियर डेरिवेटिव, सो दे आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सिंपल, ये पेट रीज़न है। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ फीचर्स, कुछ खास बातें इनके बारे में हम जानेंगे जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं होती हैं। सबसे पहला है पॉइंट, पेक्युलर नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की नेचर मखसूस है, पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है, दूसरों से डिफरेंट है। कैसे? नंबर वन, कार्बन आइसोमेरिज्म करता है। वाट आर आइसोमर्स? आइसो मीन सेम, मर्स यूनिट। मालिक्यूल्स या कंपाउंड्स हैविंग सेम मालिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड एज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। कार्बन के कंपाउंड सबसे ज़्यादा अबंडेंट हैं। अकेले कार्बन के इतने कंपाउंड हैं कि बाकी तमाम 117 एलिमेंट्स के कंपाउंड उतने नहीं हैं ज़मीन पर। तो इसकी रीज़न क्या है? आइसोमेरिज्म। कार्बन, जो मैं आपको मिसाल दूँ यहाँ पर अगर, तो ये ब्यूटेन है, C, C, C और C, मैं सिंपल बना देता हूँ, ये एक नॉर्मल ब्यूटेन है, ये कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे नॉन टर्मिनल कार्बन पे अगर हम एक ब्रांच लगा दें तो ये उसका आइसोमर है, ये नॉर्मल ब्यूटेन है, ये आइसो ब्यूटेन है, आइसोमेरिज्म। दोनों में चार कार्बन है और हाइड्रोजन 10-10 हैं, लेकिन दो डिफरेंट कंपाउंड बन गए। दोनों की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स डिफरेंट होंगे और रिएक्टिविटी डिफरेंट होगी, राइट। दूसरा, मल्टीपल बॉन्डिंग। कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग करता है। कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड बनाए तो अल्केन्स, डबल बॉन्ड बनाए तो अल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो अल्काइन्स। कार्बन हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाता है, कार्बन नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन कैन मेक मल्टीपल बॉन्ड्स, इट कैन मेक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी एक रीज़न है अबंडेंस ऑफ कार्बन की। और भी कई सारे रीज़न हैं लेकिन मेनली हम पेक्युलर नेचर ऑफ कार्बन में यही। नॉन आयोनिक करेक्टर, मैंने आपको बताया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आयोनिक इन नेचर होते हैं। ये देखिए, अमोनियम साइनेट, दिस इज अ केटाइन एंड दिस इज एन एनाइन, ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, ये दो आयन्स के मिलने से बना है, ये आयनिक कंपाउंड है, ये आयनिक बॉन्ड है इनमें। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो ये नॉन आयोनिक होते हैं, इनमें पोलैरिटी नहीं होती, इनमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स नहीं होते। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट इनका फीचर है, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। इनमें ना होमोलोगस सीरीज होती है, होमोलोगस सीरीज होती हैं। ये होमोलोगस सीरीज क्या होती हैं, जैसे अल्केन्स एक सीरीज है, अल्कीन्स एक सीरीज है, अल्काइन्स एक सीरीज है, एल्डिहाइड्स एक सीरीज है, कीटोन्स सीरीज है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एक सीरीज है। तो इतने ज़्यादा मिलियंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनको स्टडी करना डिफिकल्ट है, लेकिन होमोलोगस सीरीज की वजह से हम इनको स्टडी कर सकते हैं। एक अल्केन को स्टडी करें, बाकी सबका सेम बिहेवियर होगा, एक अल्कीन को पढ़ लें इसी तरीके से। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती हैं,
A series of compounds, a group of compounds having same general formula. Difference in the formula of CH2 or difference in the molecular mass 14. For example, मैं मिसाल देता हूँ यहाँ पे. ये हमारे पास अल्केन में पहला है मीथेन, ये है C2H6, ये C3H8. इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? CH2 का फ़र्क है. इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? CH2 का फ़र्क है. कार्बन का मास 12 और हाइड्रोजन का 2, 14 मास का फ़र्क है. तो ये फ़र्क जितनी लंबी आप अल्केन्स की सीरीज़ को चलाएंगे तो CH2 का डिफरेंस आएगा मालिकुलर फार्मूला में, 14 मालिकुलर मास में डिफरेंस आएगा. सब के अंदर एक फंक्शनल ग्रुप होगा. जैसे अल्कोहल एक फैमिली, उनमें सब में OH ग्रुप होता है. अल्केन्स में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अल्कीन्स में डबल, तो एक फंक्शनल ग्रुप होगा. इनको होमोलोगस सीरीज कहते हैं. ये भी इनकी एक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऐसा कुछ नहीं होता. कम्प्लेक्सिटी, दे आर हाईली कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इनऑर्गेनिक सिंपल होते हैं, ऑर्गेनिक कम्प्लेक्स होते हैं. मैं मिसाल देता हूँ, हमारे पास एग्जाम्पल है स्टार्च. आपको मालूम है स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, एक पॉलीमर है. पॉलीमर वो होते हैं जिनमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ मोनोमर्स होते हैं, यानी फिक्स नहीं होती तादाद. स्टार्च ग्लूकोज का पॉलीमर है. जितने ग्लूकोज अवेलेबल होंगे सारे जुड़ के एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसको स्टार्च कहेंगे. इसका जनरल फार्मूला होता है C6H10O5 और N. ये N थाउजेंड्स और मिलियंस में हो सकता है, यानी एक ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा ग्लूकोज. प्लांट्स में जितने अवेलेबल ग्लूकोज हैं जुड़ेंगे और स्टार्च बना देंगे. प्रोटीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. प्रोटीन, प्रोटीन्स भी पॉलीमर्स हैं. किस चीज़ के? एमाइनो एसिड्स के. थाउजेंड्स और मिलियंस एमाइनो एसिड्स जुड़कर एक प्रोटीन बनाते हैं. तो ये हाईली कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स हैं. आइसोमेरिज्म मैं पहले बता चुका हूँ. मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C4H10. 4 को डबल करें 8 और 2 जमा कर दें तो 10. मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है लेकिन स्ट्रक्चर दोनों के डिफरेंट है. दीज आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म का फिनोमेना पाया जाता है. रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनकी जो रिएक्टिविटी है, इनका जो रिएक्शन रेट है, स्लो होता है. बड़ी इंपॉर्टेंट बात, किसी आयोनिक कंपाउंड के रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट नहीं इस्तेमाल होता. वो ईजिली खुद ब खुद रिएक्ट कर जाते हैं. जैसे एक 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 एसिड है, एक बेस है. एसिड बेस रिएक्शन जो होते हैं आयोनिक रिएक्शन हैं. या आप सॉल्ट ले लें, NaCl, जब पानी में हल करते हैं तो सोडियम पॉजिटिव अलग, क्लोराइड नेगेटिव अलग, तो वो बड़े इजीली रिएक्ट कर जाते हैं. देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी कैटलिस्ट इन द आयोनिक रिएक्शंस क्योंकि वो स्पीडी होते हैं. पहले वाला बॉन्ड टूटेगा, अगला बॉन्ड बन जाएगा. लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस हैं इनमें कैटलिस्ट चाहिए होता है क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना है तो नया बॉन्ड बनेगा. तो ये स्लो इन स्पीड होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फास्टर इन रिएक्शन होते हैं. लास्ट बात, सॉल्युबिलिटी. एक बड़ा यूनिवर्सल कानून है सॉल्युबिलिटी का, लाइक डिजॉल्व लाइक. मतलब पोलर पोलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में. आयोनिक आयोनिक में डिजॉल्व होगा और ऑर्गेनिक या कोवेलेंट कंपाउंड कोवेलेंट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा. ये हम कोवेलेंट कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं तो ये कोवेलेंट सॉल्वेंट्स के अंदर हल होंगे. जिसकी मिसालें, कोवेलेंट सॉल्वेंट्स की मिसालें जब भी आएंगी केमिस्ट्री में तो आपके जहन में 3-4 एग्जांपल्स आनी चाहिए. जैसे अल्कोहल्स कोवेलेंट सॉल्वेंट है, क्लोरोफॉर्म कोवेलेंट सॉल्वेंट है जिसका फार्मूला CHCl3 होता है. इसी तरीके से बेंजीन एक लिक्विड है जो कि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है. इसी तरीके से और बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं. क्लोरोफॉर्म हो गया, अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है. तो ये 3-4 आपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के जेन में रखने हैं. इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर आता है. ये था हमारा पहला लेक्चर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. थैंक यू वेरी मच.